सालों साल चलने वाले चिप्स आज हम बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे चिप्स बिना उबाले, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही फटाफट ही बन जाता है चिप्स। यहाँ पे हमने आलूओं को धो के पानी में भिगो दिया है और इसे अब चिप्स कटर से काट लेंगे। आपके पास जैसा भी चिप्स कटर हो आप उससे काट सकते हैं, डिजाइन वाले या फिर प्लेन। और देखिए हमने अपने सारे चिप्स काट लिए हैं और इसे हमें पानी से धोना है, और एक बार नहीं कई बार पानी से धोना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए और ये चिप्स हमारे बाद में काले ना पड़े। और चूँकि हम इन्हें बिना उबाले बना रहे हैं तो इन्हें हमें कई बार धोना है। और देखिए जो चिप्स काटने पे किनारे किनारे के आलू होते हैं उसे मैंने अलग करके रखा है ताकि इसे हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो नीचे वाले चीज़ें का चिप्स काटने में हाथ कटने का डर रहता है। और देखिए बिल्कुल हमारे सारे स्लाइसेस अच्छे से धुल गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इसे मैंने 4 से 5 बार पानी बदल बदल के धो लिया है और अब इसे एक बार और आखिरी बार फाइनल धो लेना है। देखिए मैंने इसे भी पानी से धो लिया है, एकदम वाइट वाइट चिप्स दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सारे चिप्स साफ़ सुथरे हो गए हैं अच्छे से। और अब इसका हम जो लास्ट वाला धुला हुआ पानी है इसे भी हम अच्छे से अलग पलट के निकाल लेंगे। देखिए अब सारे पानी मैंने निकाल लिए हैं, जिसको मैंने 5-6 बार धो लिया है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और सारे नमक को मिला लेंगे। आप ऐसे भी नमक डाल सकते हैं पहले भी, या फिर जो हम ऊपर से बॉयल पानी डालेंगे उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही मिला लिया है, दो दो तरह से एक ही बात होगी, अपने जैसे भी डालें। और यहाँ पर मैंने खूब खौलता हुआ पानी गर्म करके इसके ऊपर डालना है और इसे आलू में इतना पानी डालना है कि पूरा डूब जाए अच्छे से, ताकि हर एक आलू अच्छे से गर्म पानी से कुक हो जाए। क्योंकि हमें ज़्यादा उबालते हैं तो ज़्यादा कभी कभी चीज गल जाते हैं तो वो डालने में दिक्कत करते हैं, अच्छे से पकते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने सारे चिप्स को देखिए गर्म पानी खोलते हुए डाल दिए हैं और अब इसे हम 5 से 6 मिनट इस तरह रहने देंगे। देखिए 5-6 मिनट बाद ये हमारे आलू सॉफ्ट हो गए हैं, ये मुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये पक गए हैं, कच्चे नहीं हैं। इसे आप ढक के भी रख सकते हैं, मेरा बड़ा बर्तन था तो मैंने ढका नहीं था। अब इसे हम गर्म पानी में से 5-6 मिनट रखने के बाद आलू को निकाल लेंगे एक छन्नी पे ताकि थोड़ा ठंडे हो जाएं। फिर हम इन्हें धूप में फैलाएंगे, आप इसे छांव में भी फैला सकते हैं, पंखे के नीचे भी अच्छे सूख जाते हैं। अगर आप पंखे में सुखाएंगे तो ये चिप्स आपके बहुत ही वाइट वाइट और एकदम सीधे सीधे बनेंगे, लेकिन हमने धूप में सुखाया है तो ये हमारे चिप्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सूख जाते हैं तो आकार उनका बदल जाता है। और देखिए हमने धूप में इसे सुखा दिया है, 1 से 2 दिन सुखाने के बाद ये चिप्स हमारे अच्छे से सूख गए हैं। और बिल्कुल देखिए ये सूखने के बाद ऐसे हो गए हैं, एकदम पतले पतले स्लाइसेस बने हैं। इसे मैं तल के दिखाती हूँ आपको कितने करारे अच्छे चिप्स बने हैं। तो आप भी बनाइए बिना उबाले, बिना झंझट के, ये आसानी से चिप्स जिससे सालों साल